हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो जो आरपीएफ एनी सिलेरी कांस्टेबल में भाग ले रहे हैं और उनका ट्रेड टेस्ट अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है इसमें चार स्टेप है। पहला था सीबीटी, उसके बाद था पीटी, तीसरा है ट्रेड टेस्ट जो अभी चल रहा है फिलहाल, उसके बाद होगा आपका डीवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम समय को ना गंवाते हुए सबसे पहले ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरा नाम है शैलेश सरोज और मैंने जो तो अभी हाल में ही जो है ट्रेड टेस्ट का जो है एग्ज़ाम दिया है और आप मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे साथ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या आपको लगेगा सब कुछ सामान, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, हम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का अंदर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक हॉल टिकट ले जाना है जो आपका एडमिट कार्ड आपने ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड किया है। उसके बाद दोस्तों, आपको ध्यान देखना है कि इसमें आपका बारकोड नंबर भी हो। जी हाँ दोस्तों, आपने पीटी में ध्यान दिया होगा कि सभी का बीटी नंबर जो था, बारकोड किसी किसी का नहीं था, तो उस चीज़ को भी चेक कर लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं आता तो नेक्स्ट टाइम फिर से क्लिक कीजिए, और अगर ऐसा होता है इश्यूज तो आप सबसे पहले आधार कार्ड को अपने साथ कैरी करना ना भूलें। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का तो हो गया। आप डॉक्यूमेंट्स का आप बात करते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने वेन्यू पे, जो भी आपका ट्रेड टेस्ट का दिया होगा वहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक साथ कलेक्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने पीटी में किया था, देखा था, सभी लोगों को एक साथ बैठा दिया जाता है। उसके बाद कुछ कुछ स्टूडेंट्स का जो है ग्रुप बनाया जाता है, जैसे 10 का, 12 का, 15 का। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते जाते हैं, कुछ लोग पीछे आते हैं, कुछ लोग आगे आ जाते हैं। तो जो जो स्टार्टिंग्स में आते हैं, 10 से 15 लोगों का जो है ग्रुप बनाया जाता है। अब 10 से 15 लोगों का ग्रुप हो गया बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। इस प्रकार जो है सभी लोगों को एक एक कोड दे दिया जाता है कि आपका बैच 1 में है और आप लोग का संख्या इतनी है, 10 लोग हैं आप बैच 1 में। फिर आपको दोस्तों क्या किया जाएगा, आपको रखा बुलाया जाएगा आपके सीरियल वाइज, यानी कि बैच 1 फिर बुलाया जाता है, बैच 1 फिर बाद बैच 2 बुलाया जाएगा, फिर बैच 3 बुलाया जाएगा। अब करते हैं बैच 1 की बारी। जी हाँ दोस्तों, बैच 1 को बुलाया गया। अब उनसे कहा गया कि देखिए आपको बनाना है 4 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, 4 मिनट में आपको बनाना है एक पराठा, यानी कि आपके पास है सिर्फ 4 मिनट, यानी कि 6 * 24 यानी 240 सेकेंड आपके पास है एक पराठा बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आता है कि सर आटा सानना है इसकी, उसके बाद स्टोव जलाना है, कि क्या क्या करना है, 4 मिनट में कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों को पहले पीछे छोड़ दीजिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है हमें 4 मिनट में पराठा का। जी हाँ दोस्तों, आपको आटा साना मिलेगा। जी हाँ, आपको गूंदने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी आपको आटा गूंद कर थाली में रखा रहेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों कि आटा ऑलरेडी पहले से गूंद कर रखा गया है, इसलिए वो कड़क हो जा रहा है। तो लोगों को जो परेशानी हो रही है, वो परेशानी ये थी कि जो आटे को हम गूंदते हैं उस समय जो है अगर वो नरम रहता है तो पराठा आसानी से बन जाता है, बट अगर वो कड़क हो जाता है, जब वो हार्ड हो जाता है तब उसको गूंदते समय तो उसे रोटी बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए आपको सबसे पहले तो आटे को अपने को सही करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको कम से कम समय में जो है 30 से 40 सेकंड्स में आपको कंप्लीट करना है। आटे को अपने हिसाब से सेक कर लीजिए कि वो कड़क है या नरम है। तो जब नरम हो जाए फटाफट से इसको आप रोटी बना लीजिए, तो यानी कि पराठा बना लीजिए। तो दोस्तों, पराठा बनाने के लिए कहा गया था, रोटी नहीं, मैं आपको सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ। तो पराठा बनाने के लिए कहा जाता है। अब बुलाया जाता है सेकंड बैच को, आपका काम हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने पराठा बना लिया। अब जो कच्चा पक्का जो भी ऑलरेडी, वो चेक करेंगे कि आपका किसका सही है, किसका गोल है, किसका टूटा हुआ है, किसका कच्चा है, मतलब सब कुछ जो है ऑलरेडी चेक किया जाता है, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड बैच की। अब सेकंड बैच आ रही है दोस्तों। अब सेकंड बैच को क्या किया गया कि आप बनाइए सब्जी। सब्जी के सारे सामान आपको जो है किचन के टेबल पे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, आपको बस बनाना है कैसे कैसे बनाते हैं आप, क्या क्या नमक होता है, नमक कैसे डालना है स्वाद अनुसार, फिर आपका वो चेक होता है। इस प्रकार हो गया आपका सब्जी का। अब तीसरी बैच को बुलाया जाता है। तीसरी बैच में कहा जाता है आप चावल डालिए। आपको चावल का समय दिया जाएगा कि पानी आपका ज़्यादा ना हो दोस्तों। चावल को पहले आपको धो लेना है, मतलब साफ सफाई भी देखना है आपको, हर चीज़ वहाँ पर जो है कैप्चर की जाती है, तो इसलिए आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है। तो चावल को आप धो लीजिए, उसके बाद अच्छे से कुकर में डाल दीजिए, पकाने के लिए छोड़ दीजिए कितने समय में पकेगा। उसके बाद अगर वो जलना नहीं चाहिए नीचे से, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, इन सब बातों का जो है आपको मार्क्स मिल रहे हैं। अब रही बात दोस्तों के क्वेश्चन पे आ रहे हैं मुझे ये कि वीडियो के नीचे कि सर वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जब ये सब हो जाता है तब। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, हाँ, आपको क्वेश्चन के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, बस आप खत्म, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आपका समय समाप्त हो गया और आपका ट्रेड टेस्ट का जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो गई। अब जो मार्क्स आएंगे, जो लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। आपको ऑन द स्पॉट तो कुछ बताया नहीं जाएगा। आप ये भी मत सोचिए कि आपको ट्रेड टेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बात हो गई क्लियर। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करिए दोस्तों, हम उसका आंसर आपको देंगे। और दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट नौकरी चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ।
और कंटिन्यूसली अपलोड करता हूँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ मैं ऑलरेडी एक जॉब पे हूँ और मैंने 2 से 3 जो है, 3 एग्ज़ाम जो है मैंने टोटली क्रैक किया है। जी हाँ दोस्तों, टोटली 2014 से मैंने जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था और 2017 से जो मेरा एग्ज़ाम क्रैक होना स्टार्ट हो चुके। तो उसी के आधार पे दोस्तों जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे जैसे मुझे कोचिंग क्लासेस में ज्ञान मिलता है, उसी हिसाब से बेसिस पे मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियोस लाता हूँ, ताकि आप सभी को ही पता चल सके कि कैसे आपको स्टडी करना है, क्या क्या मटेरियल लगेगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों स्मार्ट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिले।